हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां धर्म में विश्वास रखा जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी लोग सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। हर साल रामायण व रामलीला का मंचन कर सभी को भगवान राम की तरह कर्तव्यनिष्ठ होने का पाठ पढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सुप्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की लोकप्रिय सुपुत्री सोनाक्षी सिन्हा से जब सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के जाने माने प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के दौरान जब ये प्रश्न पूछा रामायण के अनुसार हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, तब सोनाक्षी सिन्हा का उत्तर न दे पाना चर्चा का विषय बन गया। पर चर्चा का विषय ये नहीं कि सोनाक्षी सिन्हा उत्तर दे पाई या नहीं, हम आपसे पूछते हैं कि आज के समय में कितने प्रतिशत लोगों को इसका जवाब आता है, कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है, कितने लोगों को रामायण की पूरी कहानी पता है, आपको पता है या आपने कभी पूरी रामायण पढ़ी है, तो चलिए आप और 10 लोगों से पूछ लीजिए, पता चल ही जाएगा कितने ऐसे और हैं जिन्हें सोनाक्षी की तरह ही ट्रॉल करने की ज़रूरत है। तो तैयार है आप लोग? सोनाक्षी सिन्हा को ट्रॉल करने से पहले अपने अंदर झांक कर देखें, शायद किसी को ऐसी ट्रॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरों से पहले खुद अपने धर्म का सम्मान करें। जी हाँ, हमारा धर्म हमें सही राह पर चलना सिखाता है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें अपने धर्म का सही प्रकार से पालन करना है, तो ये वक्त है अपने आप से सवाल करने का, ना कि सोनाक्षी सिन्हा पर या ऐसे ही किसी के भी ऊपर कटाक्ष करने का।